सो हेलो फ्रेंड्स, मैं अनाव पुष्कर और ये है रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 नेकबैंड स्टाइल ईयरफोन का बॉक्स। और इस नेकबैंड को हम पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रहे हैं। अमेजोन से हम इसको 1700 रुपीज़ में परचेज किए थे। फिलहाल इसका जो प्राइसिंग है वो 1800 रुपीज़ शो कर रहा है। और इस प्राइस पॉइंट पे आपको इसमें 30 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन देखने के लिए मिल जाता है। एंड इस वीडियो में हम लोग इसी नेकबैंड स्टाइल के ईयरफोन का जो है ना कंप्लीट सेटअप एंड रिव्यू करने वाले हैं। रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 के साथ जो है ना आपको ऐप सपोर्ट भी मिल जाता है, मतलब कि रियलमी लिंक ऐप के थ्रू जो है ना आप अपने आईफोन एज वेल एज एंड्रॉइड फोन के साथ इसको पेयर कर सकते हैं, इसके साउंड क्वालिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको डुअल कनेक्शन का फीचर मिलता है, तो किस तरीके से आप अपने किसी भी दो डिवाइसेस के बीच में इसको स्विच करके यूज कर सकते हैं वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसका लेटेंसी टेस्ट भी हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसका डिटेल सेटअप एंड रिव्यू इस वीडियो में मिलने वाला है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 को अगर आपको परचेस करना हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट अगर हम रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 के बॉक्स कॉन्टेंट से करें तो यहाँ पे आपको दो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स मिल जाता है। इसके अलावा इस तरीके का जो है ना आपको एक यूजर मैनुअल मिल जाता है। एंड इसके साथ आपको जो है ना बॉक्स में कोई भी चार्जिंग केबल जो है वो नहीं दिया गया है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक नेकबैंड मिल जाता है। बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाइलाइटेड फीचर्स मेंशन है, जैसे कि 13.6 mm का आपको इसमें ड्राइवर मिल जाता है, 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, 40 आवर्स के आसपास का आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगा, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन देखने के लिए मिलता है 30 डेसिबल तक, गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट है एंड कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है। एंड जैसा कि मैं आपको बताया इसमें आपको ऐप सपोर्ट मिल जाता है, तो रियलमी लिंक ऐप का यूज करके जो है ना आप इसके साउंड मोड को और कुछ फीचर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, जो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। अब क्योंकि इस नेकबैंड के साथ आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का फीचर मिलता है, तो जैसे ही आप इन दोनों मैग्नेटिक बर्ड्स को अलग करते हैं ना आपके एंड्रॉइड फोन पे आपको एक इस तरीके का पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा। कनेक्ट के ऊपर टैप करके जो है ना इजिली आप रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 को अपने एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो गया। डन के ऊपर टैप कर देंगे। अगर आपको इस तरीके का पॉपअप देखने के लिए नहीं मिलता है, देन फिर आप अपने एंड्रॉइड फोन में जो है ना ब्लूटूथ सेटिंग में चल जाइएगा। एंड यहाँ पे भी जो है ना पेयर न्यू डिवाइस के ऊपर टैप करके रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 को आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 ऑलरेडी शो कर रहा है। इस नेकबैंड के साथ आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ वाला डिजाइन मिलता है, तो जैसे ही इन दोनों बर्ड्स को आप कनेक्ट करते हैं ईयरफोन जो है वो आपके फोन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एंड जैसे ही इन दोनों को अलग करते हैं ईयरफोन जो है वो ऑटोमेटिकली आपके फोन से क्विकली विद इन फ्यू सेकंड जो है ना कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना क्विक ये कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम नेकबैंड के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जो नेकबैंड वाला एरिया है सॉफ्ट सा सिलिकन मटीरियल है। इसके अलावा दोनों साइड में जो है ना यहाँ पे मेरे पास व्हाइट एंड ब्लैक कलर वाला वेरियंट है, तो ये प्लास्टिक का कैप्सूल देखने के लिए मिलता है। एक साइड रियलमी का ब्रांडिंग है, एक साइड में यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा। एक मोड स्विच करने के लिए बटन है जिसका यूज करके आप नॉइस कैंसिलेशन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम प्लस बटन है, वॉल्यूम माइनस बटन है, एक मल्टी फंक्शन बटन है। एंड बटन का क्या क्या यूज है वो सब कुछ हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको केबल मिलता है ये नॉर्मल रबराइज केबल है जिसके ऊपर लाइनिंग लाइनिंग वाला टेक्सचर है। और ईयर प्लग जो है ना अगर आप वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड टू यूज किए हैं तो बिल्कुल उसी के जैसा यहाँ पे डिजाइन देखने के लिए मिलता है। और इसका ईयर ग्रिप जो है ना काफी अच्छा है, मतलब वर्कआउट या हाई मूवमेंट वाला एक्टिविटी भी आप करते हैं ना तो ये ईयर प्लग्स आपके कान से नहीं निकलता है। ईयर ग्रिप मेरे ईयर के हिसाब से काफी अच्छा लगा हमको। एंड इस नेकबैंड में कोई ऑन ऑफ वाला बटन नहीं दिया गया है, इसमें आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ डिजाइन मिलता है, तो जैसे ही इन दोनों ईयर प्लग्स को आप कनेक्ट करेंगे मैग्नेटिकली ये ऑफ हो जाता है, जैसे ही दोनों ईयर प्लग्स को अलग करेंगे ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है एंड लास्ट कनेक्टेड डिवाइस से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। एंड इस नेकबैंड को रियलमी लिंक ऐप के थ्रू पेयर करने के लिए जो है ना आपको प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉइड फोन में या ऐप स्टोर से अपने आईफोन में रियलमी लिंक ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ यूज जो है इसको एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है, फिर आपका जो रीजन है वो सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है, गॉट इट के ऊपर टैप करना है। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पेयर डिवाइस का, इसके ऊपर आप टैप करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर टैप करेंगे एंड आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा या साइन इन करना पड़ेगा। आप सिंपली अपना फोन नंबर और फोन नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगा वो एंटर करके यहाँ लॉग इन कर सकते हैं। तो हम क्विकली लॉग इन कर लेते हैं। सो यहाँ पे लॉग इन करने के बाद जो आपको कुछ परमिशन अलाउ करना पड़ेगा, जैसे नोटिफिकेशन का परमिशन है, नियर बाय डिवाइसेस का परमिशन आपको अलाउ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियलमी लिंक ऐप में ना रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करने लगा। एंड जो भी रियलमी का डिवाइसेस हम रियलमी लिंक ऐप में यूज कर रहे हैं वो सब यहाँ पे शो कर रहा है। जस्ट यहाँ पे रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 के ऊपर टैप करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे अग्री करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 का सारा सेटिंग्स एंड जो भी फीचर्स है वो देखने के लिए मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आपको नॉइज कैंसिलेशन, ऑफ एंड ट्रांसपेरेंसी, तीनों मोड जो है वो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं।
अगर आपको नॉइज़ कैंसिलेशन इनेबल करना है या नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ करना है या ट्रांसपेरेंसी मोड को इनेबल करना है। फिर यहाँ पे आपको मोड स्विचिंग का एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो फिलहाल जो है ना बाई डिफॉल्ट नॉइज़ कैंसिलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी ही सिलेक्टेड है। अगर आप ऑफ को भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप जो है ना इसमें आपको Realme Buds Wireless 3 में जो नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए स्विच मिलता है इसको सिंगल टैप करके आप नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में स्विच कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम सिंगल टैप करते हैं तो नॉइज़ कैंसिलेशन पे आ गया, फिर सिंगल टैप करते हैं तो ऑफ हो गया नॉइज़ कैंसिलेशन, फिर सिंगल टैप करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी मोड पे आ गया। तो इस तरीके से आप मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट मोड मिल जाता है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल साउंड का मोड है, प्योर बेस है, डीप बेस है, एक सेरेनोड मोड है। तो हम ओरिजिनल साउंड मोड पे ही इसको जो है ना काफी समय तक यूज किए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके जो है ना आप कस्टमाइज कर सकते हैं लो मिड्स हाई को, एंड कस्टम इक्वलाइजर जो है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ आपको एक स्पेशल ऑडियो मोड देखने के लिए मिलता है जिसमें आप बेसिकली जो है ना एक सराउंड साउंड वाला इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको यहां से आप टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट मोड में प्योर बेस सेलेक्ट करने के बाद भी आपको लगता है कि बेस कम है, बेस को और इंप्रूव करना है, तो यहां पे आपको एक डायनेमिक बेस का फीचर मिलता है, इसको आप यहां से इनेबल कर सकते हैं, एंड डायनेमिक बेस के स्लाइडर को यूज करके बेस को आप और इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके फोन के वॉल्यूम को 100% पे करने के बाद भी अगर वॉल्यूम आपको कम फील हो रहा है तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम इनहांसर का ऑप्शन मिलता है जिसको आप इनेबल करके वॉल्यूम को जो है ना और एनहांस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको डुअल डिवाइस कनेक्शन का फीचर मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम डुअल डिवाइस कनेक्शन में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो मेरा एंड्रॉइड फोन है वो यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ से हम डुअल डिवाइस कनेक्शन को इनेबल कर दिए हैं। दूसरे डिवाइस को अगर आपको पेयर करना है तो जो आपको मल्टीफंक्शन बटन मिलता है इसको 4 सेकंड तक प्रेसेंट होल्ड करके रखना है, एंड उसके बाद आपका Realme Buds Wireless 3 जो है ना इस तरीके से वापस पेयरिंग मोड में चला जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे हम अपना आईफोन यूज कर रहे हैं तो इसके ब्लूटूथ सेटिंग में आ जाते हैं और आप किसी भी डिवाइस के साथ ये जो डुअल पेयरिंग वाला फीचर है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदर डिवाइसेज में Realme Buds Wireless 3 शो कर रहा है, तो इसके ऊपर टैप करेंगे एंड Realme Buds Wireless 3 जो है ना यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, एंड यहाँ पे Realme लिंक ऐप में आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे 2 डिवाइसेस भी शो करने लगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो Realme Buds Wireless 3 है ये मेरे आईफोन में भी यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है एंड मेरे एंड्रॉइड फोन में भी यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है। अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कनेक्टेड है। तो इस तरीके से जो है ना आप Realme Buds Wireless 3 को एक साथ 2 डिवाइस के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको Realme लिंक ऐप में गेम मोड देखने के लिए मिल जाता है जहां से एक लो लेटेंसी मोड जो है वो आप इनेबल कर सकते हैं, एंड लेटेंसी टेस्ट हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फाइंड माई फोन का फीचर मिल जाता है, तो फाइंड माई फोन के फीचर को अगर आप यहाँ से Realme लिंक ऐप से इनेबल कर देते हैं तो आप इस मल्टी फंक्शन बटन को अगर 4 टाइम प्रेस करते हैं 1 2 3 4 तो इस तरीके से आप Realme Buds Wireless 3 के थ्रू जो है ना फाइंड माई फोन का फीचर यूज कर सकते हैं और अपने कनेक्टेड फोन पे रिंग प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जेस्चर ऑपरेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप करते हैं तो जो भी बटन्स आपको Realme Buds Wireless 3 में देखने के लिए मिलता है उन सभी बटन्स का क्या क्या फंक्शन है वो सब आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। एंड जिस तरीके से हम आपको एंड्रॉइड फोन में Realme लिंक ऐप के थ्रू जो है ना Realme Buds Wireless 3 को कनेक्ट करना दिखाए, उसी तरीके से आप अपने आईफोन में भी Realme लिंक ऐप के थ्रू Realme Buds Wireless 3 को पेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Realme Buds Wireless 3 जो है वो शो कर रहा है बिकॉज ऑलरेडी ये Realme Buds Wireless 3 मेरे आईफोन एज वेल एज एंड्रॉइड फोन के साथ कनेक्टेड है। तो सिंपली आप ब्लूटूथ के थ्रू जिस भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कीजिएगा Realme लिंक ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपको Realme Buds Wireless 3 जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, एंड सारे सेटिंग्स को जिस तरीके से हम आईफोन में देख पा रहे थे यूज कर पा रहे थे वही सारा सेटिंग्स जो है ना आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम Realme Buds Wireless 3 के साउंड क्वालिटी का बात कर लेते हैं। साउंड क्वालिटी ऐसा है कि Realme लिंक ऐप में आपको जैसा साउंड टेस्ट अच्छा लगता है आप कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। मेनली जो भी साउंड मोड्स हम आपको दिखाए उसमें हम ओरिजिनल साउंड मोड एंड प्योर बेस मोड जो है उसको टेस्ट किए प्रॉपरली या उसी को हम यूज किए। तो सबसे पहले अगर हम ओरिजिनल साउंड मोड का बात करते हैं ना तो यहाँ पे हमको ट्रेबल जो है वो थोड़ा सा हाइयर साइड में लगा, बेस थोड़ा सा कम लगा, बाकी इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन काफी अच्छा है, वोकल्स क्लियर है। एंड ओरिजिनल साउंड मोड में म्यूजिक पे भी डिपेंड करेगा, जो म्यूजिक आप सुन रहे हैं उसमें अगर बेस है तो आपको बेस भी अच्छा फील होगा। बाकी प्योर बेस मोड आपको जो देखने के लिए मिलता है वो हमको बेस्ट लगा, उसमें बेस भी अच्छा है, ट्रेबल भी अच्छा है, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन वोकल्स क्लियर हमको लगा। एंड Realme Buds Wireless 3 में फुल वॉल्यूम पे भी हमको कोई डिस्टॉर्शन जैसा फील नहीं हुआ। तो साउंड क्वालिटी वाइज Realme Buds Wireless 3 अंडर 2000 जो है ना बेस्ट नेकबैंड रहेगा अभी के समय में, जिसमें आपको 30 डेसिबल का जो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिलता है वो भी काफी इफेक्टिव है। अगर आपके रूम में AC चल रहा है या 3 नंबर में पंखा चल रहा है, हल्का फुल्का जो ट्रैफिक का नॉइज होता है वो सब ये इजिली कैंसिल आउट कर देता है। इसके अलावा जो एक स्पेशल ऑडियो वाला मोड
मोड देखने के लिए मिलता है Realme Link ऐप में। उसके थ्रू भी आप अच्छा सराउंड साउंड वाला इफेक्ट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं और वो वर्क करता है। और अगर आपको बहुत ज्यादा बेस बूस्टेड साउंड पसंद आता है तो फिर आपको जो है ना इसमें एक डायनेमिक बेस वाला मोड मिल जाता है Realme Link ऐप में, जो हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। एंड नॉर्मली इसमें लाउडनेस का तो कोई कमी नहीं है, बट वॉल्यूम इनहांसर का भी एक ऑप्शन आपको Realme Link ऐप में मिलता है। अगर आपको वॉल्यूम को और ज्यादा लाउड करना है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब फटाफट से एक लेटेंसी टेस्ट हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं गेम मोड डिसेबल्ड है। अब गेम मोड इनेबल करने के लिए जो है ना आप इस नॉइस कैंसिलेशन वाले बटन को 2 सेकंड तक प्रेसेंट होल्ड करके रखेंगे तो भी गेम मोड जो है वो इनेबल हो जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं गेम मोड जो है वो इनेबल हो गया है। सो Realme Buds Wireless 3 का आप लो लेटेंसी टेस्ट देखे गेम मोड इनेबल करके, गेम मोड डिसेबल करके। गेम मोड इनेबल करके हम इसको कॉल ऑफ ड्यूटी, बैटल ग्राउंड्स, मोबाइल इंडिया जैसे गेम के साथ यूज किए। फुटस्टेप डिटेक्शन में ये ईयरफोन हमको काफी अच्छा लगा। इसके अलावा गेम मोड इनेबल करने के बाद जो लेटेंसी है वो काफी रिड्यूस हो जाता है, बट डेफिनेटली आपको एकदम जीरो लेटेंसी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हैं तो Realme Buds Wireless 3 के साथ गेमिंग करते हुए आपको लेटेंसी बहुत ज्यादा फील नहीं होगा, बट अगर आप एकदम प्रो गेमर हैं, कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हैं तो हम आपको रेकमेंड करेंगे आप वायर्ड ईयरफोन हेडफोन के साथ जाइए। तो फिलहाल आप जो ये साउंड सुन रहे हैं ये Realme Buds Wireless 3 के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे कॉल पे हैं एंड हम आपके साथ अनएडिटेड कॉल रिकॉर्डिंग में कैसा माइक इसका साउंड कैप्चर करता है वो शेयर कर रहे हैं, जिससे आपको इसके माइक का क्वालिटी का आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड में जो है ना फैन फुल स्पीड में ऑन कर दिए हैं, तो नॉइस कैंसिलेशन किस टाइप का है Realme Buds Wireless 3 के माइक का उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं Realme Buds Wireless 3 का जो भी मीडिया कंट्रोल है, कॉल कंट्रोल है उनका। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम बटन मिलता है जिसको अगर आप सिंगल टैप करते हैं तो इस तरीके से आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको प्रेसेंट होल्ड करके रखते हैं ना तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली जो है ना वॉल्यूम इंक्रीज या वॉल्यूम को आप इस तरीके से ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो मल्टीफंक्शन बटन मिलता है इसको अगर आप प्रेस करते हैं व्हाइल प्लेइंग म्यूजिक तो आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं सिंगल टैप से। व्हाइल प्लेइंग म्यूजिक या यूट्यूब पे जब आप वीडियोस देख रहे हैं तो इसी मल्टीफंक्शन बटन को अगर आप डबल टैप करते हैं तो आप नेक्स्ट ट्रैक पे इस तरीके से स्विच कर सकते हैं। एंड इसी मल्टीफंक्शन बटन को अगर आप ट्रिपल टैप करते हैं तो आप म्यूजिक को रीस्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप प्रीवियस ट्रैक पे जा सकते हैं। एंड अगर आप इस मल्टीफंक्शन बटन को 2 सेकंड तक प्रेसेंट होल्ड करके रखते हैं तो आप अपने कनेक्टेड फोन पे वॉइस असिस्टेंट जो है वो रेज कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में आपको पहले ही दिखाया कि अगर आप इस मल्टीफंक्शन बटन को 4 सेकंड तक प्रेसेंट होल्ड करके रखते हैं तो आप इस ईयरफोन को जो है ना वापस से पेयरिंग मोड में लेके जा सकते हैं। एंड इसी मल्टीफंक्शन बटन को अगर आप 4 टाइम प्रेस करते हैं क्विकली तो आप अपने कनेक्टेड फोन पे जो है ना फाइंड माई फोन फीचर का यूज करके अपने कनेक्टेड फोन पे रिंग प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपके कनेक्टेड फोन पे कोई कॉल आता है तो आप इसी मल्टीफंक्शन बटन को सिंगल टैप करके कॉल रिसीव कर सकते हैं एंड सिंगल टैप करके जो है ना आप कॉल को एंड कर सकते हैं। अगर आपको कॉल को रिजेक्ट करना है तो इसी मल्टीफंक्शन बटन को आपको 2 सेकंड तक प्रेसेंट होल्ड करके रखना है एंड आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड स्विच मिलता है जिसका यूज करके आप नॉइज कैंसिलेशन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में स्विच कर सकते हैं। तो इसको अगर आप सिंगल टैप करते हैं तो नॉइज कैंसिलेशन जो है वो ऑफ हो जाएगा। फिर से अगर आप यहाँ पे सिंगल टैप करते हैं तो आप ट्रांसपेरेंसी मोड में आ सकते हैं और फिर से सिंगल टैप करते हैं तो आप नॉइज कैंसिलेशन में, इस तरीके से आप मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। नॉइज कैंसिलेशन वाले बटन को ही अगर आप 2 सेकंड तक प्रेसेंट होल्ड करके रखते हैं तो आप गेम मोड को इनेबल कर सकते हैं एंड फिर से अगर आप 2 सेकंड तक प्रेसेंट होल्ड करके रखते हैं तो आप गेम मोड को डिसेबल कर सकते हैं। अब फिलहाल ये जो Realme Buds Wireless 3 है ये मेरे एंड्रॉइड फोन से एज वेल एज आईफोन से कनेक्टेड है बिकॉज इसमें डुअल डिवाइस कनेक्शन का फीचर है। एंड यहाँ पे फिलहाल मेरे एंड्रॉइड फोन पे एक म्यूजिक प्ले हो रहा है जिसका साउंड जो है ना वो Realme Buds Wireless 3 के ईयरफोन के थ्रू आ रहा है। अब इसी समय पे मेरे कनेक्टेड दूसरे फोन पे अगर कोई कॉल आता है तो यहाँ पे हम मल्टीफंक्शन बटन को अगर टैप करते हैं ना तो यहाँ पे हम कॉल को रिसीव कर सकते हैं एंड म्यूजिक प्लेबैक जो है वो पॉज हो जाता है। जैसे ही फिर इस मल्टीफंक्शन बटन के यूज करके अगर हम कॉल को कट करते हैं
ऑटोमेटिकली यहाँ पे म्यूजिक प्लेबैक जो है वो रिज्यूम हो जाता है। सो इस तरीके से आप Realme Buds Wireless 3 में ये डुअल कनेक्शन वाला फीचर यूज कर सकते हैं। डुअल कनेक्शन किस तरीके से सेटअप करना ऑलरेडी हम आपके साथ वीडियो में पहले ही शेयर कर चुके हैं। एंड लास्ट देख लेते हैं किस तरीके से Realme Buds Wireless 3 नेकबैंड को रीसेट करना है या फिर इसके पेयरिंग डिवाइसेस की लिस्ट को क्लियर करना है। तो इसके लिए जो नॉइज कैंसिलेशन वाला बटन मिलता है इसको 5 टाइम प्रेस करना है एंड फिर आपको प्रेजेंट होल्ड किए हुए रहना है 10 सेकंड तक। तो यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे हम प्रेजेंट होल्ड किए हुए हैं इसको 10 सेकंड तक। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड एंड ग्रीन कलर में जो LED लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है एंड जो मेरा Realme Buds Wireless 3 है ये मेरे आईफोन से भी डिस्कनेक्ट हो गया है एंड मेरे एंड्रॉयड फ़ोन से भी डिस्कनेक्ट हो गया है। इस तरीके का पॉपअप यहाँ पे मेरे एंड्रॉयड फ़ोन पे आ गया था, मतलब कि अगेन पेयरिंग मोड में आ चुका है एंड एज अ न्यू डिवाइस आपको जो है ना इसको जिस भी डिवाइस के साथ पेयर करना हो जैसा हम वीडियो में आपको दिखाए उस तरीके से आप पेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। जहां से आप इस नेकबैंड को परचेज कर सकते हैं उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इस नेकबैंड के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।